कैशकांड की गूंज, क्योंकि लगातार विपक्ष हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनके बेटे के घर से कैश बरामद हुआ है। क्या है ये पूरा मामला, जानना जरूरी है, इसलिए स्पेशल रिपोर्ट आपके लिए। देखिए जरा, नोटों की गड्डियों को देखकर कौन गदगद न हो जाए, किसकी आंखें न चमक जाएं इन करारे नोटों के बंडलों को देखकर। इन्हीं नोटों पर फिदा हो गए बीजेपी के विधायक मदल विरुपक्षप्पा। नियत डामाडोल हो गई, लालच हिलोरे मारने लगी। विधायक साहब रिश्वत खोरी पर उतर आए। ये नोट रिश्वत की उसी खेती की उपज। पुरानी कहावत है, बबूल का पेड़ बोने वालों को आम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अब तक तो विधायकी का धंधा पानी खूब चल रहा था, लेकिन घूस का घड़ा फूट गया। विधायक मदन लोकायुक्त के निशाने पर आ गए और 8 करोड़ की नकदी के साथ उनके सुपुत्र भी धर लिए गए। भाजपा सरकार के ऊपर बहुत बड़ा झटका लगा हुआ है। कर्नाटका लोकायुक्त ने भाजपा का विधायक मॉडल विरुपाक्षा और उसके बेटे प्रशांत विरुपाक्षा के ऊपर भ्रष्टाचार आरोप के ऊपर FIR दर्ज किया गया है। कल रात 40 लाख रिश्वत लेते हुए समय प्रशांत विरुपाक्षा, जो मॉडल विरुपाक्षा MLA का बेटा है, उसको नंगे हाथ लोकायुक्ता ने पकड़ा गया है। लोकायुक्ता जब आज तक के साथ बात कर रहे थे, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया गया कि उन्होंने पैसे की मांग रखी है और उसके अनुसार लोकायुक्ता ने उनको ट्रैप करने के लिए एक प्लान करके कल रात को उनको ट्रैप करके अरेस्ट किया गया है। इन तस्वीरों में आप जिस शख्स को देख रहे हैं वो विधायक मदल का बेटा प्रशांत है। बताया जा रहा है कि डील पिता करता था, वसूली बेटे के जिम्मे थी। प्रशांत को 40 लाख की नकदी के साथ पकड़ा गया, घर में 6 करोड़ कैश मिला, यानी 8 करोड़ 10 लाख की रकम लोकायुक्त के अफसर बैगों में भरकर ले गए। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक मदल विरुपक्षप्पा कर्नाटक के चन्नागिरी सीट से विधायक है और अभी कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड के चेयरमैन है। बीजेपी विधायक के बेटे की गिरफ्तारी को लेकर अब कांग्रेस पार्टी राजनीतिक हमले कर रही है और बीजेपी सरकार को 40% सरकार कहकर करप्शन पर सवाल उठा रही है। विरुपक्षप्पा जो चन्नगिरी दावनगिरी से भाजपा के MLA हैं और बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनके दफ्तर में उनके बेटे द्वारा 40 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। 81 लाख रुपए की रिश्वत की तथा कथित तौर से मांग की गई थी और अब 6 करोड़ रुपया नोटों की गड्डियां जिस प्रकार से उनके घर से मिली हैं, भाजपा के MLA उनके बोर्ड के चेयरमैन गायब हैं, वो भगोड़े हो गए हैं, मुख्यमंत्री कहीं भाग गए हैं या चुप बैठे हैं, जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं निरानी वो दरवाजे के पीछे छुपे बैठे हैं और पूरे कर्नाटक को लूटा जा रहा है। कर्नाटक में चुनाव का मौसम आने वाला है, उससे पहले इन तस्वीरों ने बीजेपी को परेशान कर दिया है। नागार्जुन के साथ सगय रॉय, बंगलुरु आज तक।